पलामू जिले के हैदरनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत सजवन गांव में रविवार देर रात्रि को बिजली के शॉर्ट सर्किट की वजह से देवेंद्र कुमार मेहता के घर में अचानक आग लग गई, जिससे घर से बाहर खड़ी डिस्कवर बाइक के अलावा घर में रखे बर्तन, वस्त्र, अनाज सहित सारे सामान जलकर खाक हो गई। इस घटना में करीब 2 लाख रुपए की संपत्ति जलकर नष्ट होने के अनुमान लगाया गया है। क्या नाम है आपका? देवेंद्र कुमार। कैसे जला है? 160 की से जला हुआ है। कब की घटना है? दीपावली के रात में 11 बजे। क्या आप लोग कहाँ कहाँ सूचना दिए इसके लिए? इसके लिए थाना में दिए, थाना अभी देखने नहीं आया ना। वीडियो साहब के कम्प्लेन भी हुआ, वो भी नहीं देखने आया। कहीं आप लोग आवेदन दिए हैं इसके लिए? हाँ, थाना में दिया हुआ है। जो आग लगा इसकी वजह से कितने का नुकसान हुआ आपका? सर, गाड़ी उड़ी जल गया, चावल वावल भी रखल था जिनका जल गया, हरिया बर्तन भी था साथ है। कितने का नुकसान हुआ लगभग? नुकसान 1.5 लाख के लपेट में नुकसान हो गया है। मतलब शॉर्ट सर्किट की वजह से? हाँ, शॉर्ट सर्किट की वजह से लगा है। लेकिन प्रशासन इसमें कुछ भी नहीं करी आपका? कुछ भी नहीं किया है, नहीं आया है देखने के लिए भी। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि जो कैथी हुआ शॉर्ट सर्किट से उसका एथी मुआवजा मिले। कोई बात करने के लिए नहीं है आपके पास? कोई भी नहीं आया है।